हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे टेस्ट नंबर 4। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। 51st क्वेश्चन जो दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड का बताना है। तो बेंजीन, नॉन बेंजीनॉइड मतलब जिसमें बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर ना हो। तो बेंजीन में तो हो गई बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर। एनिलीन, एनिलीन इज बेंजीन के ऊपर NH2, तो ये भी बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर है। नैफ्थलीन अगेन बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर। तो बचा क्या अपने पास? ट्रोपोलोन, और ट्रोपोलोन ही आंसर है। ट्रोपोलोन का बेसिकली स्ट्रक्चर बनेगा 7 मेंबर आएगा ये। इस तरीके से, और ये डबल बॉन्ड को, तो ये ट्रोपोलोन जो होता है, ये ट्रोपोलोन वाला जो आएगा, ये आंसर हो जाएगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन 52, विच इज द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। इस कंपाउंड की बात कर रहे हैं, तो देखो लोएस्ट लोकेट टूल पे चलते हैं। लोएस्ट लोकेट बेसिकली यहाँ से आएगा, 1, 2, 3 और 4। तो ये नंबर 1, 2, 3 और 4। तो अब यहाँ पे इसके IUPAC नेम में अल्फाबेटिकल ऑर्डर अगर फॉलो करें, तो सेकेंड पोजिशन पे क्लोरो है, फर्स्ट पे मिथाइल है, और फोर्थ पे नाइट्रो है। तो पहले क्लोरो आना चाहिए, अल्फाबेटिकली पहले आएगा। तो 2 क्लोरो 1 मिथाइल और 4 नाइट्रोबेंजीन जो ए ऑप्शन दे रखा है, तो ए विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 53, सॉरी, 0.6723 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन कंबशन इतना दे रहा है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड से हम कार्बन का मास निकाल लेंगे और वाटर से हम हाइड्रोजन का निकाल लेंगे। तो अब यहाँ पे डायरेक्ट या तो एक फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं हम, कि परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन में मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू मास ऑफ कार्बन से करेंगे, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक मास जो है, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन लिख लेते हैं, कार्बन का मास निकालना है तो कार्बन के एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे, और परसेंटेज निकालना है तो डायरेक्टली इसका वेट ऑफ कंपाउंड लिख लेते हैं, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है, इंटू 100। ये फॉर्मूला यूज करेंगे। सिमिलरली हाइड्रोजन में भी होगा, तो पहले अगर कार्बन डाइऑक्साइड के लिए निकाला जाए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कितना है ये, वेट ऑफ CO2 1.530, मोलर मास 44, इससे मोल्स आ गए कार्बन डाइऑक्साइड के, फिर एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करोगे कार्बन के, तो क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा कार्बन का, एटॉमिक मास कितना हो गया 12। अब परसेंटेज निकालना है तो 0.6723 × 100। इसको जब सॉल्व करोगे तो उसकी वैल्यू, एक मिनट, ये आ जाएगा अराउंड 62 समथिंग हो जाएगा। तो ये 62.07% वाला होना चाहिए आंसर इसे अपना ए। सिमिलरली हाइड्रोजन के लिए भी होगा, यहाँ पे वेट ऑफ H2O अपॉन में मोलर मास ऑफ H2O। बस अब देखो H2O में एक चीज ध्यान रखनी है अपने को, कि हाइड्रोजन 2 है, तो हम 2 × एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन करेंगे, मतलब बेसिकली हम 2 से डिवाइड करेंगे, और फिर से वही वेट ऑफ कंपाउंड इंटू 100। ये करोगे और आंसर आ जाएगा अपना 10.3 आ जाएगा, तो आंसर विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 54.2046 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। अब देखो ये वाला जो है, ये डुमास मेथड है। अब इसमें अगर हम बात करें, तो सबसे पहले हमें वॉल्यूम दे रखी है V1 मॉइस्ट नाइट्रोजन की, ठीक है। तो ये मॉइस्ट नाइट्रोजन के लिए दे रखा है, बट जब भाई हम लॉस लगाते हैं, चाहे कोई भी गैस लॉ लगाते हैं, वो मॉइस्ट पे नहीं लगाते, वो ड्राई पे लगाते हैं, और जो प्रेशर दे रखा है वो किस पे दे रखा है, मॉइस्ट का दे रखा है। तो जो P1 होगा उसमें हमें वाटर के प्रेशर से क्या करना पड़ेगा, उसको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, मतलब 732.7 माइनस 12.7, तो ये आ जाएगा 720 mmHg। तो P1 की वैल्यू 720 mmHg आ जाएगी। फिर इसके बाद अगर नेक्स्ट बात किया जाए, तो T1 देखो क्या दे रखा है अपने को इसमें, 288 केल्विन। अब दूसरे कंडीशन में निकालना है, मतलब हमें यहाँ पे परसेंटेज नाइट्रोजन का निकालना है। तो अब अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे बात करें, तो नाइट्रोजन का निकालना होगा वॉल्यूम,
एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे प्रेशर कितना हो जाता है 760 mmHg, सॉरी P2, और टेम्परेचर एसटीपी कंडीशंस में कितनी हो गई 273 केल्विन। तो अब यहाँ पे हम लगाएंगे P1V1/T1 = P2V2/T2, और इससे वॉल्यूम कैलकुलेट कर ली जाएगी, और ये वॉल्यूम आती है 27.3 ml। ये वॉल्यूम कैलकुलेट करोगे 27.3 ml आ जाएगी। अब ये वॉल्यूम आ गई किसकी, नाइट्रोजन की। अब हमें यहाँ पे परसेंटेज निकालना है नाइट्रोजन का, तो मतलब उसका मास निकालना है फिर से, तो वॉल्यूम से मोल्स निकालेंगे, मोल से क्या निकालेंगे मास, तो डायरेक्टली फिर से हम परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कर देते हैं। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन के लिए क्या करेंगे, 27.3 को डिवाइड करेंगे 2400 से, इससे क्या आ गए मोल्स आ गए। फिर नाइट्रोजन चाहिए तो नाइट्रोजन के एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये नाइट्रोजन का मास आ गया। परसेंटेज निकालना है इसका, तो जो भी कंपाउंड है ऑर्गेनिक कंपाउंड उसके मोल उसके मास से डिवाइड करेंगे और इनटू 100 ये करोगे, और आंसर जो है इसका आ जाएगा फिर 16.68, मतलब आंसर विल बी बी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएच ऑफ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ एमओएच होल थ्राइस। अब देखो एमओएच होल थ्राइस ये बेस जो है ये क्या बनाएगा, M3+ और 3OH-, मतलब इसकी सॉल्युबिलिटी अगर S होगी तो इसकी 3S होगी। अब इसके लिए अगर हम KSP निकालेंगे तो KSP का फॉर्मूला आ जाएगा 27S⁴, इसको जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये वैल्यू हमें दे रखी है, कितनी दी है 2.7 × 10⁻¹⁴, या बोल सकते हो 27 × 10⁻²= 27S⁴, मतलब S की वैल्यू आ गई 10⁻³। तो OH- कितना हो गया 3 × 10⁻³, तो POH अब क्या हो जाएगा −3 × 10⁻³, मतलब 3 − log 3 कर दोगे तो 3 − 0.47 आ जाएगा, तो 3 − 0.47 किया जाएगा, और इसके लिए वैल्यू कैलकुलेट कर दी जाएगी कितनी आ जाएगी, ये अगर निकालेंगे हम लगभग बोल सकते हो 2.53 आ जाएगा। ठीक है, अभी 2.53 जो उसकी वैल्यू आई है ये POH की आई है, हमें निकालना है क्या है pH, तो 14 − 2.53 तो लगभग 11.47, मतलब ये आंसर हो जाएगा 11.48। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ 4-bromo-3-methyl-butadiene। देखो यहाँ पे ब्यूटवनीन है, तो 1, 2, 3, 4 फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा दिया, थर्ड पोजीशन 1, 2, 3 थर्ड पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप लग गया और फोर्थ पोजीशन पे एक ब्रोमीन ग्रुप लग गया, तो अब ये हो जाना चाहिए। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे देखते हैं किसमें आएगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे CCH3 ऐसे तो है ही नहीं, तो ये तो होगा ही नहीं। बी वाले में देखें तो 1, 2, 2 पे मिथाइल आ रहा है, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे 1, 2 यहाँ पे देखो ये 1, 2, 3 और ये 4, 2 पे मिथाइल आया 4 पे, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। अच्छा सॉरी 3-methyl है, 2-methyl नहीं है, तो सी नहीं होगा इसका आंसर, सॉरी इसका आंसर फिर अगर हम देखें 3-methyl, तो 1, 2, 3 3-methyl यहाँ पे आ रहा है, तो बी वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, द करेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इथेन इथिन एंड इथाइन। ओके इथेन, देखो इथेन मतलब C2H6S ओपन करके लिख लेते हैं, CH3 CH3, इसका जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और इथाइन CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है। sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर ये होता है sp देन sp2 और देन sp3, तो इथेन इथीन इथाइन आंसर विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट IUPAC नेम। अब करेक्ट IUPAC नेम पूछा है, सबसे पहला जो दे रखा है 3-ethyl-4,4-dimethylheptane, इसे हम चेक कर लेते हैं स्ट्रक्चर बना के, हेप्टेन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, थर्ड पे इथाइल और फोर्थ पे डाइमिथाइल,
अब अगर इसका IUPAC नेम करेंगे तो ऐसे ही करेंगे, थर्ड पे इथाइल आना चाहिए और फोर्थ पे, क्योंकि यहाँ से 1, 2, 3, 4 वापस 4 आ गया, बट लोएस्ट नंबर तो यहाँ पे इथाइल को मिलना चाहिए, तो फर्स्ट वाला तो सही लग रहा है अपने को, तो फर्स्ट वाला हो जाएगा। बाकी भी चेक कर सकते हैं क्यों नहीं। अब देखो 4, 4 डाइमिथाइल, 3 इथाइल, अब 4, 4 डाइमिथाइल अगर मैं कर रही हूँ और 3 इथाइल, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहे, पहले इथाइल आना चाहिए फिर डाइमिथाइल आना चाहिए, तो इसलिए गलत हो गया। 5 इथाइल, 4, 4 डाइमिथाइल, 5 इथाइल, मतलब हम नंबरिंग यहाँ से कर रहे हैं बट फिर लोएस्ट लोकेट यहाँ से आ रहा है, तो ये वाला भी गलत हो गया। और लास्ट 4, 4 बिस, अभी बिस नहीं बोलेंगे, बिस बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स के लिए, तो आंसर इज ए। प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी पार्टीशन प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है, बेसिकली एक मोबाइल फेज होता है और एक स्टेशनरी फेज होता है, तो आंसर इसका बी हो जाएगा। अ लिक्विड विच डिकम्पोजेज एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, अब देखो जो कोई लिक्विड है जो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे डिकम्पोज हो रहा है, तो उसको हमें उसके बॉइलिंग पॉइंट से नीचे क्या करना पड़ेगा, बॉइल करना पड़ेगा, तो उसके लिए प्रेशर को रिड्यूस करना पड़ता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। ग्लिसरॉल कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम स्पेंट लाए, अब ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, एनसीईआरटी का ही है ये, एज इट इज लाइन, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। मोस्ट एसिडिक कंपाउंड इज, अब एसिडिक के लिए क्या देखना होता है, देखो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो माइनस वाले क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, माइनस आई, माइनस एम या माइनस एच, ये वाले जो ग्रुप होंगे उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हमें यहाँ पे सी ओ ओ एच के रिस्पेक्ट में देखना, यही एच प्लस देगा, तो यहाँ पे एफ जुड़ा है, एफ इज माइनस आई यहाँ पे अगेन, बट यहाँ पे डिस्टेंस देखो, एक कार्बन यहाँ पे है, दूसरा कार्बन, मतलब डिस्टेंस बढ़ गया और यहाँ पे डिस्टेंस और बढ़ गया, जितना ज्यादा डिस्टेंस होता है उतना ही कम इंडक्टिव इफेक्ट होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, फिर बी हो जाएगा। आर एग्जांपल्स ऑफ अल्कोहल है, ईथर है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो दे आर फंक्शनल आइसोमर्स। मैक्सिमम इनॉल कंटेंट इज, अब देखो इनॉल के लिए एक तो एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए ज्यादा, तो एसिडिक हाइड्रोजन किसमें है, इसमें बी और डी वाले में, तो ये वाला जो है दो कीटो ग्रुप्स के बीच वाला जो है ये एसिडिक हाइड्रोजन होता है। अब ये जो एसिडिक हाइड्रोजन है यहाँ पे मिथाइल से जुड़ा है और ये हाइड्रोजन यहाँ पे दोनों तरफ मिथाइल और मिथाइल से जुड़ा है, और जो मिथाइल वाला है उसमें इनॉल कंटेंट ज्यादा आएगा, क्योंकि जो एल्कीन बनेगा उसमें हाइपरकॉन्जुगेशन से ज्यादा स्टेबल एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, तो इसलिए आंसर इसका बी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मैक्सिमम PKa, अब PKa अगर ज्यादा है तो Ka मतलब क्या होना चाहिए, कम, और Ka कम है अगर तो मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, तो अपने को देखना है यहाँ पे NO2 देखो माइनस आई इफेक्ट वाला है, आई इफेक्ट ज्यादा है, यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ गया, आई इफेक्ट कम हो गया, यहाँ पे फिर से माइनस आई और यहाँ पे फिर से माइनस आई, तो तीनों जगह देखो लगा तो हम माइनस आई इफेक्ट ही रहे बट यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है, सॉरी डिस्टेंस कम है इन दोनों के केस में, ए और सी के केस में, तो यहाँ पे तो मैक्सिमम पीके तो ए तो नहीं होगा, इनका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। अब बी और डी में देखो डिस्टेंस बराबर है बट ग्रुप्स अलग है, बी आर है और NO2 का माइनस आई ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू बी आर, सो आंसर विल बी बी। द इफेक्ट इन्वॉल्विंग द कम्प्लीट ट्रांसफर ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू वन ऑफ द एटम्स जॉइंड बाय मल्टीपल बॉन्ड, अब देखो ये अपने पास मल्टीपल बॉन्ड है ये बोल रहे हैं, और कोई अटैकिंग रिएजेंट आया और ये अटैकिंग रिएजेंट क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है, और जब ये अटैकिंग रिएजेंट अटैक करता है तो ये पाई इलेक्ट्रॉन या तो इधर शिफ्ट हो जाता है या तो इधर शिफ्ट होता है, इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं, तो आंसर क्या हो गया, सी। 2 लीटर पीएच कैलकुलेट करना है, तो देखो टोटल एच प्लस हम कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3 अपॉन में V1 प्लस V2 प्लस V3। अब HCl, HCl के लिए नॉर्मैलिटी लो, मोलारिटी लो, दोनों ही सेम है बिकॉज n फैक्टर HCl का क्या होता है 1, तो 2 × 0.8, 4 × 0.1 एंड 4 × 0.25 अपॉन में 2 + 4 + 4, तो ये वैल्यू कितनी आएगी 1.6 और 0.42, 2 और ये कितना हो गया 3 और ये हो गया 10, मतलब 3 × 10⁻¹ लिख देते हैं, तो अब पीएच निकालना है, मतलब नेगेटिव लॉग ऑफ 3 × 10⁻¹, मतलब 1 − log 3, तो 1 − 0.47 अगर हम करते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा, 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
इफ के ए ऑफ अ वीक एसिड इज 10^-4 PKB ऑफ ए माइनस. अब देखो के ए और के बी में क्या रिलेशन होता है किसी भी कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस और एसिड में, तो के ए इंटू के बी इज इक्वल टू होता है अपना के डब्ल्यू. के ए है कितना 10^-4 और ये 10^-14, तो के बी की वैल्यू आ गई 10^-10. तो पी के बी क्या हो जाएगा फिर, नेगेटिव लॉग ऑफ के बी, दैट विल बी नेगेटिव लॉग ऑफ 10^-10, दैट इज 10. तो आंसर इज डी. एट टी डिग्री सेल्सियस के डब्ल्यू दिया है पीएच ऑफ प्योर वाटर. देखो वाटर तो हमेशा न्यूट्रल ही है, और न्यूट्रल के लिए क्या रिलेशन होता है, जो पीएच होता है वो हो जाता है हाफ ऑफ पी के डब्ल्यू. तो हाफ ऑफ नेगेटिव लॉग ऑफ के डब्ल्यू हमें लेना है, और के डब्ल्यू कितना आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 6. आंसर क्या हो गया 6. What will the pH change when 0.1 moles of CH3CuNa is added? ठीक है, हम देखो सबसे पहले हम इसका निकालते हैं. जब इसमें कुछ ऐड नहीं किया गया तो ये वीक एसिड है, तो पीएच ऑफ वीक एसिड अगर हमें निकालना है तो पहले हम वीक एसिड का पीएच कैलकुलेट करेंगे. उसके लिए पहले एच प्लस निकालेंगे. एच प्लस के लिए हम ये यूज कर सकते हैं अंडर रूट के ए सी का फॉर्मूला यूज कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट पता हो तो यहाँ पे हाफ इंटू पीके ए माइनस लॉग सी करके भी आ जाएगा फॉर्मूला, बट एच प्लस निकाल के भी कर सकते हो. तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट 1.8 और ये कितना है 10^-5 और सी है 0.02, तो ये आ जाएगा 0.036 इंटू 10^-5, या बोल सकते हैं हम 36 इंटू 10^-8 का स्क्वायर रूट, या कितना हो जाएगा 6 × 10^-1. ये एच प्लस आया. अब पीएच निकालना है, तो पीएच क्या हो गया, नेगेटिव लॉग ऑफ 6 × 10^-4, मतलब 4 − log 6, तो 4 में से log 6 हो जाएगा 0.77, तो ये आ जाएगी वैल्यू 3.23 के आसपास आ जाएगा. इसके बाद हम नेक्स्ट अगर हम बात करें, अब हमने क्या किया इसमें CH3CuNa डाला, तो ये एक वीक एसिड था और इसमें सॉल्ट डाल दिया हमने वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की, तो बफर बन गया. तो बफर का फॉर्मूला क्या होता है, और बफर भी कौन सा बना है यहाँ पे, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का बफर. तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का बफर का फॉर्मूला हो जाता है पीएच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन में एसिड. तो पी के ए की वैल्यू ये निकालोगे 1.8, ये आ जाएगी 4.74 आ जाएगी, नेगेटिव लॉग लेंगे इस वाली वैल्यू का, प्लस लॉग 0.01 अपॉन में 0.02, तो ये हो गया 4.74 प्लस लॉग ऑफ 0.5 आ जाएगा. तो इसको जब करोगे ये 0.5 आ जाएगा, ये आएगा अपना माइनस का 0.3, तो ये हो जाएगा 4.34. अब चेंज इन पीएच निकालना है अपने को, तो मतलब 4.34 उस तरफ कर देते हैं. तो अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, चेंज इन पीएच, तो 4.34 माइनस 3.23 करेंगे, तो ये 1.2 समथिंग कुछ आ जाएगा. तो आंसर इज ए. 71st मैच करना है. अब मैच के लिए देखो आप क्या कर सकते हैं, टाइप ऑफ सॉल्ट से भी आइडेंटिफाई कर सकते हो. AgBr 1:1 टाइप की सॉल्ट है, Ag2Cl2, ये तो वो ब्रेक जब होता है तो ये ध्यान रखना है, Ag2 2+ और Cl-. तो अब जब ये ब्रेक हो रहा है तो Ag2 2+ और 2Cl- के फॉर्म में ब्रेक हो रहा है, तो ये 1:2 टाइप की सॉल्ट हो गई. AlOH होल थ्राइस 3:1 टाइप की सॉल्ट, या इसको 1:3 लिख लेते हैं. और ये क्या कर लेते हैं, 1:3 टाइप की सॉल्ट हो गई, और यहाँ पे आ जाएगा ये 3:2 टाइप सॉल्ट, 3 कटायन और 2 अनायन वाले आ जाएगा. तो अब जब भी हम यहाँ पे करेंगे तो सॉलिबिलिटी इससे देखो, S इंटू S होता है तो S स्क्वायर होना चाहिए, तो A का 3 होना चाहिए, A का 3 एक ही ऑप्शन में दे रखा है, तो आंसर यहीं से आ जा रहा है. 1:2 मतलब क्यूब आ रहा है, तो 4S का क्यूब, तो B का 2 हो जाएगा.
वन एस टू थ्री मतलब एस टू द पावर फोर, तो सी का वन हो जाएगा, और यहाँ पे थ्री एस टू टू मतलब एस टू द फाइव, और आंसर क्या हो गया फोर, तो आंसर इज सी. 72, which one is incorrect statement? Permanent partial displacement of sigma electron is inductive effect. That is correct. Permanent complete displacement of pi electron is resonance. ये भी सही है. Temporary displacement of sigma electron hyperconjugation भी permanent होता है. तो ये वाला तो statement क्या है, गलत है, क्योंकि incorrect पूछा गया था हमसे. तो answer is C. Which of the following molecule on fission of CCl bond gives more stable carbocation? अब वो देख लेते carbocation की formation क्या हो रहा है. तो देखो पहले वाले केस में तो phenyl carbocation बन रहा है जो कि अनस्टेबल है. दूसरे केस में 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है. थर्ड केस में CH2 और इस CH2 पे आ रहा है, तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज तो है नहीं, बेंजाइन नहीं है ये, तो C वाला भी नहीं होगा. और D में अगर हम देखें तो CH3O CH2 पॉजिटिव. अब देखो ये जो O है, ये O प्लस M इफेक्ट दिखाता है ना, प्लस M की वजह से ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी. तो आंसर क्या हो जाएगा, D. करेक्ट बेसिक स्ट्रेंथ, करेक्ट डिक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ पूछा है. ठीक है, यहाँ पे देखो नाइट्रोजन, हर जगह नाइट्रोजन वाले ही है. नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है. यहाँ भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, यहाँ भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर. अब देखो फर्स्ट वाले में, अगर मैं एक्स वाले में बात करूं, ये जो नाइट्रोजन है ये लोन पेयर लोकलाइज्ड है. लोकलाइज्ड है मतलब रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, कहीं भी रेजोनेंस नहीं हो रहा, तो लोकलाइज है ये. ऊपर से ये कौन सा है, sp3 वाला है और 2 डिग्री है. सेकंड में अगर हम बात करें तो y वाला जो है, ये लोन पेयर जो देखो रेजोनेंस में जाएगा ना, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो रहा है. क्या बोल सकते हो कि ये लोन पेयर क्या है, डीलोकलाइज्ड है. डीलोकलाइज है तो यहाँ पे अवेलेबल है ही नहीं इसके पास डोनेट करने के लिए, तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ऑब्वियसली क्या होनी चाहिए, कम हो जानी चाहिए. और जेड में भी देखें तो कभी भी sp2 वाला जो लोन पेयर होता है वो लोकलाइज डीलोकलाइज नहीं होता, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता. तो एक तो sp2 वाला है और दूसरा क्या है, लोकलाइज है. अब लोकलाइज जहां पे होगा हमेशा बेसिक स्ट्रेंथ वहां पे ज्यादा होगी, मतलब एक्स और जेड में तो ज्यादा होनी चाहिए, वाई में सबसे कम होनी चाहिए. तो वाई वाला सबसे कम अगर हम बात करें तो यहाँ बी वाले में अपने को देखने को भी मिल रहा है, वाई वाला सबसे कम है. ऊपर से अगर एक्स और जेड को तुम्हें कंपेयर करना है तो देखो ये sp3 है या sp2 है. sp2 वाला कोई भी एलिमेंट है या एटम है वो क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो लोन पेयर आसानी से डोनेट नहीं करेगा. तो जेड की और एक्स में बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होनी चाहिए, एक्स की होनी चाहिए. तो आंसर इसका बी होना चाहिए 74th वाले का. अब आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे. अरेंज द कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिटी. अब डिक्रीजिंग एसिडिटी फिर से एसिडिक कैरेक्टर के लिए क्या देखेंगे हम, माइनस आई या माइनस एम वाले ग्रुप देखेंगे. और इंडक्टिव अगर देख रहे हैं तो डिस्टेंस का भी ध्यान रखना है. यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे भी 1 2, पर 2 क्लोरीन है तो यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट क्या लग रहा है, ज्यादा ऑपरेट हो रहा है. यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ गया तो सबसे ज्यादा माइनस आई यहाँ पे होगा, इधर कंपैरेटिवली इसके कंपैरेटिवली कम होगा, और सबसे कम किस में होगा, इधर होगा. तो इन तीनों में तो दिख रहा है अपने को कि सेकंड ज्यादा होना चाहिए, फिर सेकंड के बाद फर्स्ट होना चाहिए, और फिर उसके बाद थर्ड होना चाहिए. तो 2 1 3 तो आ रहा है साफ साफ. अब यहाँ पे अगर इसको देखो, यहाँ पे कोई माइनस आई वाला है ही नहीं, तो ऑब्वियसली थर्ड की ज्यादा होगी, तो 2 1 3 और फिर ये फोर्थ हो गया. तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट. एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, सबसे पहले अब एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर के लिए हमें फिर से ये जो ग्रुप से देखो मेटा पोजिशन पे जुड़े हैं. मेटा पे कभी भी इंडक्टिव इफेक्ट, सॉरी इंडक्टिव कह रही हूँ, मीजोमेरिक इफेक्ट ऑपरेट नहीं करता. तो यहाँ पे हम सिर्फ क्या देखेंगे, इंडक्टिव ही देखेंगे. अब इंडक्टिव देख रहे हो तो इंडक्टिव का जो माइनस आई का ऑर्डर होता है वो होता है SO3H, फिर COOH और फिर आएगा OH. ये माइनस आई का ऑर्डर है. तो सबसे ज्यादा माइनस आई SO3H में, फिर COH में और फिर OH में. तो सबसे ज्यादा एसिडिक 3, फिर 2, फिर 1. तो मतलब ए स्टेटमेंट तो सही बैठ रहा है. बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर है, अब वही देख सकते हो, इसका माइनस आई कम है तो बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, ज्यादा होगी. तो बी वाला भी सही है. ऑर्डर ऑफ ESR, ESR मतलब क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. अब इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करता है, इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, तो जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पे ESR भी क्या होगा, ज्यादा. और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ ज्यादा होगी, जहां पे प्लस वाले ग्रुप है,
चाहे प्लस एम हो, चाहे प्लस आई हो, चाहे प्लस एच हो, ऐसे जहां पे ग्रुप होंगे वहां पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रेट क्या होगा, बढ़ेगा। बट यहाँ पे सारे कौन से हैं, माइनस वाले ग्रुप है और मेटा पे है तो इसलिए हम मीजोबेरिक देख ही नहीं रहे हैं, तो सारे माइनस आए तो इसका माइनस आई कम होगा, वो ई एस आर ज्यादा दिखाएगा, तो यहाँ पे टू और ये सही, तो ये ऑर्डर भी क्या है, सही है। तो ए बी सी तीनों ही क्या है, सही है, तो आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्गेस्ट कार्बन क्लोरीन बॉन्ड लेंथ। लॉन्गेस्ट कार्बन, देखो कार्बन सी एल होगा तो ये बड़ा होगा एज कंपेयर टू डबल बॉन्ड, और वैसे भी क्लोरीन तो डबल बॉन्ड बनाएगा भी नहीं, बट डबल बॉन्ड यहाँ पे किस वजह से आएगी, रेजोनेंस की वजह से आएगी। तो बेसिकली हम यही देख सकते हैं कि जहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड आ गए, ठीक है, और ये पार्शियल डबल बॉन्ड किसकी वजह से आ रही होगी, जब वो रेजोनेंस में यूज हो रहा होगा। तो यहाँ पे देखो क्लोरीन है, ये क्लोरीन लोन पेयर दे रहा है, तो यहाँ पे कौन सी आती है, ए वाले में तो कौन सी होगी, पार्शियल डबल बॉन्ड होगी। इसमें कोई भी डिलोकलाइजेशन नहीं है, तो यहाँ पे तो प्योर सिंगल है, प्योर सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड और ये क्लोरीन, तो फिर से ये जा रहा है, तो यहाँ भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड ही होगा, यहाँ पे भी रेजोनेंस में जा रहा है, तो सी में भी क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, और डी फिर से पार्शियल डबल बॉन्ड वाला ही है। तो जहां भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा क्लोरीन का लोन पेयर, वहां पे बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा किसके केस में होनी चाहिए, बी के केस में। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट गिव लिजाइन एक्सट्रैक्ट टेस्ट, लिजाइन टेस्ट फॉर नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन में एजोबेंजीन, तो जिसके पास भी कार्बन नहीं होगा वो नहीं दिखाएगा, कार्बन किसके पास नहीं है, हाइड्रोजन के पास, NH2, क्योंकि जब ये सोडियम के साथ फ्यूज कराया जाएगा, लिजाइन एक्सट्रैक्ट बनाया जाएगा, तो ये NaCN का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा, क्योंकि कार्बन ऑलरेडी है ही नहीं इसके पास, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो ए वाला तो सही लग रहा है, COH ये ऑर्थो पोजिशन पे, तो ऑर्थो इफेक्ट जिसको बोलते हो, या SIR जिसको बोलते हैं उसके वजह से, सॉरी SIR जिसको बोलते हैं, तो स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस बोल सकते हो, या फिर बेसिकली क्या बोल सकते हैं, ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो इफेक्ट की वजह से तो ए का एसिडिक कैरेक्टर बी से क्या होगा ज्यादा, तो ये तो करेक्ट लग रहा है। बाकी भी बट चेक कर लेते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ पूछी गई है, तो ये 3 डिग्री है, दिस इज रेजोनेंस में जा रहा होगा, तो ऑब्वियसली देखो इसी में आ गया, इसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा इसके कंपैरेटिवली, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर डीलोकलाइज है बट यहाँ पे लोकलाइज था, तो ये वाला तो गलत हो गया। इसके केस में अगर बात किया जाए तो ये देखो यहाँ पे गलत है, फिनॉल और बेंजाइल एल्कोहल में, एल्कोहल से ज्यादा एसिडिक कौन होता है, फिनॉल्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पे फिनोक्साइड आयन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज, तो इसलिए ये वाला भी गलत हो गया। और ट्रांस और सिस दिया, डाइपोल मोमेंट ट्रांस का तो जीरो, तो क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, तो ये तो क्या होता है जीरो, तो डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा होता है, सिस का, तो आंसर विल बी ए। असर्शन, आईयूपीएसी नेम ऑफ थैलिक एसिड, थैलिक एसिड होता क्या है, पहले ये देख लेते हैं। ये थैलिक एसिड है, इसका आईयूपीएसी नेम बेंजीन 1,2-dicarboxylic एसिड, क्योंकि यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन में ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आ नहीं पाता, तो जब भी लॉन्गेस्ट चेन में कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप नहीं आता तो हम उसको कार्बोक्सिलिक एसिड सफिक्स से डिनोट करते हैं, तो बेंजीन 1,2-dicarboxylic एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में इंक्लूड नहीं हो रहा, इसलिए क्या यूज करेंगे यहाँ पे, हम कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करेंगे, तो assertion is correct. इन थैलिक एसिड स्पेशल सफिक्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज यूज फॉर सीवेज ग्रुप, ये भी सही है, ये स्पेशल सफिक्स ही तो है डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, जब भी ये कार्बन इंक्लूड नहीं कर सकते हो नंबरिंग में, तो इसको क्या यूज करते हैं, डाइकार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक एसिड की तरह ही यूज करते हैं, तो assertion is correct, reason भी करेक्ट और सही एक्सप्लेनेशन भी है, तो आंसर विल बी ए। अलाइल एल्कोहल एंड साइक्लोप्रोपेनॉल, अलाइल एल्कोहल इज दिस एंड साइक्लोप्रोपेनॉल ये हो गया। अब ये दोनों रिंग चेन आइसोमर्स है, सही बात है, तीन कार्बन है, कार्बन भी सेम है, हाइड्रोजन भी सेम है, तो दोनों रिंग चेन आइसोमर्स है, तो assertion तो करेक्ट है। अलाइल एल्कोहल एंड साइक्लोप्रोपेनॉल हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, बट ये जो रीजन है ये assertion को नहीं समझा रहा है, तो assertion एंड रीजन दोनों सही है बट नॉट द करेक्ट होना चाहिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। पीएच ऑफ इक्वल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl इज फाउंड, HCl
ये सही है, assertion is correct because HCl is a strong acid and acetic acid is a weak acid. तो अगर हम equal concentration ले रहे हैं तो HCl का pH क्या हो जाएगा, ज़्यादा, sorry, HCl का pH क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा as compared to acetic acid solution. तो this is correct, but reason in the same concentration HCl solution has lesser H plus. This is incorrect. HCl में H plus ज़्यादा होते हैं, strong है, acid है, strong acid है, तो H plus की concentration ज़्यादा है, इसलिए pH कम है. तो assertion is true but reason is false. Percentage of nitrogen in an organic compound estimated by Jindal method. If ammonia, okay, Jindal method में देखो, एक तो H2SO4 है और अमोनिया, तो जब भी इनका रिएक्शन भी कराते हो तो ये ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास 1 मोल H2SO4 है तो इसको 2 मोल NH3 की रिक्वायरमेंट होती है. जब इसको बैलेंस करेंगे तो वहीं से आ जाएगा ये कि 1 मोल H2SO4 रिक्वायर्स 2 मोल्स ऑफ अमोनिया. अब यहाँ पे हम मोल्स निकाल लेते हैं H2SO4 के, तो या मिली मोल निकाल लेते हैं. मिली मोल ऑफ H2SO4 कितना है यहाँ पे अगर देखा जाए, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम करेंगे, ml में ले रही हूँ, उसने मिली मोल आ रहा है. मोलारिटी कितनी दे रखी है, 1 और 10, तो मतलब 10 मिली मोल आ रहा है. अब अगर 10 मिली मोल H2SO4 है तो NH3 कितना हो जाएगा फिर, 20 मिलीमोल. अब 20 मिलीमोल NH3 में अगर मैं मास ऑफ नाइट्रोजन निकालना चाहूं तो क्या करेंगे, 20 × 10⁻³ मोल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं इसको, और फिर नाइट्रोजन के मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे मास ऑफ नाइट्रोजन आ गया. अब परसेंटेज अगर हमें निकालना है नाइट्रोजन का, तो मास ऑफ नाइट्रोजन अपॉन में क्या होगा, मास ऑफ कंपाउंड 0.5 इंटू कर दिया जाएगा 100. सो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा बी, 56%. नेक्स्ट क्वेश्चन, बफर सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ, देखो बफर होता क्या है, पहले एक ध्यान रखना है चीज, एक तो वीक एसिड हो सकता है और वीक एसिड के साथ सॉल्ट होगी उसी एसिड की, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ हो जाएगी, या फिर वीक बेस हो सकता है और साथ में सॉल्ट होगी उसी वीक बेस की किसी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ. तो ये क्या बनाते हैं, बफर बनाते हैं. तो सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट मतलब क्या हो गया, CH3COONA और एसिटिक एसिड, तो वीक एसिड है और उसी के सॉल्ट है, तो ये वाला तो बना देगा बफर. सोडियम क्लोराइड एंड HCl, अब सोडियम क्लोराइड और HCl नहीं बनाएंगे क्योंकि सोडियम क्लोराइड एक न्यूट्रल सॉल्ट हो गई, या बोल सकते हो कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की सॉल्ट हो गई, तो इसलिए ये वाला तो फॉर्मेशन नहीं होगा. अमोनिया एंड NH4Cl, अब अमोनिया को वाटर में डालोगे क्या बनेगा, NH4OH और NH4Cl, तो फिर से ये भी बफर बना देगा. क्यों बफर बना रहे, फिर से देखो वीक बेस और वीक बेस की स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ क्या हो गई, सॉल्ट हो गई, तो ये भी बफर बना सकता है. और लास्ट देखें अमोनिया एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया को डालोगे तो NH4OH, सोडियम हाइड्रोक्साइड को डालेंगे तो NaOH. अब OH कॉमन है बट यहाँ पे मुझे अमोनियम आयन कॉमन चाहिए था, तो इसलिए ये वाला भी नहीं होगा. तो आंसर 1 और 3 दैट इज डी. डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, कोई भी कंपाउंड हो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट KH/C होता है, के एच के डब्ल्यू बाय के ए के बराबर हो जाएगा इसके लिए, तो आंसर इसका ए. सेक्शन बी पे आते हैं, सॉल्यूशन ऑफ HCl हैज pH 5, इट इज डाइल. अब देखो pH 5 है मतलब H प्लस कितना हो गया, 10⁻⁵. अब इसको डाइल्यूट कर दिया हमने 100 times से, तो मतलब अब वॉल्यूम 100 मतलब ये कितना हो गया, अब 10⁻⁷ हो गया. तो pH जो है 10⁻⁷ का HCl solution का ये आता है 6.79 के आसपास आता है, तो nearly 7 will be the answer. KaHCN का दिया है, pH पूछा गया है, तो यहाँ पे फिर से या तो H plus निकाल लें हम, या तो directly formula use कर लो, जैसे भी आप comfortable हो. तो H plus क्या हो गया, under root KaC, तो value रख देते हैं, Ka की दी है 4 × 10⁻¹० और 2.5 × 10⁻¹. अब इसको सॉल्व करते हैं तो 2.5 × 4 = 10 और ये −12, तो एक −11, तो ये कितना हो गया, √10⁻¹० ही हो गया, या हम क्या बोल सकते हैं 10⁻⁵. तो pH आ जाएगा कितना, 5. तो आंसर विल बी 5. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट,
पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14। देखो पीएच प्लस पीओएच किसके बराबर होता है, पीकेडब्ल्यू के, बट पीकेडब्ल्यू डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो केडब्ल्यू बढ़ता है, पीकेडब्ल्यू कम हो जाता है, तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। एच प्लस ओ एच ये भी फिर से केडब्ल्यू वाला ही है, तो ये भी क्या है, गलत है। आयनाइजेशन कॉन्स्टेंट ऑफ वाटर इज इक्वल टू आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। के ए अलग है, के डब्ल्यू अलग है, तो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो आंसर ऑब्वियसली फिर डी आ जाएगा। और ये भी देख सकते हैं, नेचर ऑफ वाटर रिमेंस न्यूट्रल, वाटर इज ऑलवेज न्यूट्रल बिकॉज एच प्लस ओ एच माइनस हमेशा क्या होते हैं उसमें बराबर, तो जब तक कोई चीज ऐड नहीं की जाएगी वाटर विल ऑलवेज रिमेन न्यूट्रल। Which of the following is an acid salt? देखो acid salt क्या है, जिसके पास acidic hydrogen हो, या फिर बोल सकते हो ionizable hydrogen हो, जिनके salt के पास ionizable hydrogen होगा वो क्या होंगी, acid salt होंगी, because they can behave as acid, base के साथ वो react करेंगी। अब HCO के देखो ये hydrogen ionizable है इसके पास, तो ये क्या है, एक acid salt है। Na H2PO2, अब देखो यहाँ पे तुम्हें हाइड्रोजन दिख रहा है बट ये आयनाइज नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये किससे बना है, H3PO2 के पास, और H3PO2 के पास बस एक ही आयनाइजेबल हाइड्रोजन होता है, और वो एक आयनाइजेबल हाइड्रोजन वो ऑलरेडी दे चुका, तो ये तो एसिड सॉल्ट नहीं है। NH4HCO3, ये HCO3 कार्बोनिक एसिड से आया, कार्बोनिक एसिड एक डायबेसिक सॉल्ट, डायबेसिक एसिड है, तो इसलिए ये भी क्या होना चाहिए, एसिड सॉल्ट। NH4NO3, HNO3 एक H ऑलरेडी गिरा चुका है, तो A और C होना चाहिए, तो आंसर इसका C। pH of with solution is maximum। अब चलो यहाँ पे देखो, एक तो ये सॉल्ट है तो न्यूट्रल है, इसका तो pH कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब ये स्ट्रॉन्ग बेस का कटायन है और Ka दिया है, मतलब एसिड क्या हो गया, वीक हो गया, तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के सॉल्यूशन का हमें पीएच निकालना है, मतलब अब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का। अब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, तो पीएच जो होता है वो 7 से ज्यादा ही आएगा, तो 7 प्लस हाफ पीकेए प्लस हाफ लॉग सी, दिस इज द फॉर्मूला। तो अब देखो पीकेए अगर ज्यादा होगा तो पीएच भी ज्यादा होगा, और अगर pKa मुझे ज्यादा चाहिए तो मतलब Ka क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। Ka सबसे कम किस में दिख रहा है, देखो माइनस में है, 10 टू द पावर माइनस 5 माइनस 6 माइनस 7, तो माइनस 7 कम हुआ ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, फिर डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विल बी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पीबी टू प्लस। ठीक है, पीबी टू प्लस की बात करें यहाँ पे सॉल्यूशन में, Ksp किसके बराबर है, Pb2+ और SO4 2- माइनस के बराबर। Pb2+ की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, Ksp कितना दे दिया, 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, और SO4 2- माइनस कितना है यहाँ पे, 0.00045 हो गया। तो Pb2+ की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी आएगी, अब 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 अपॉन में 0.0045, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 आ जाएगी, तो आंसर इसका ए हो जाएगा। पीएच ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अब मेटल हाइड्रोक्साइड एम ओ एच होल ट्वाइस एम टू प्लस और टू ओ एच माइनस, दिस इज एस एंड दिस इज टू एच। अब pH दे दिया 10, तो मतलब pOH कितना हो गया 4, तो OH माइनस मतलब कितना हो गया 10 टू द पावर माइनस 4, तो ये OH माइनस मतलब 2S की वैल्यू दे दी, 2S कितना हो गया 10 टू द पावर माइनस 4, तो S कितना हो गया 1/2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। अब Ksp का फॉर्मूला लगा दो, Ksp क्या होगा, M2 प्लस और OH माइनस का स्क्वायर, M2 प्लस कितना है अपने पास 1/2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, और OH माइनस कितना हो गया 10 टू द पावर माइनस 4 का स्क्वायर, मतलब 0.5 इंटू ये 8 और ये माइनस 12, या 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 30। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स बफर सॉल्यूशन, बफर के लिए एक चीज अपने को ध्यान रखनी है, या तो इक्विवेलेंट ऑफ वीक एसिड इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस से ज्यादा हो, तो ये बफर बनेगा कैसा, एसिड बफर, और अगर हमें बेसिक बफर बनाना है तो इक्विवेलेंट ऑफ वीक बेस शुड बी इक्वल इज ग्रेटर देन, शुड बी ग्रेटर देन
शुड बी ग्रेटर देन इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये बन जाएगा बेसिक बफर। ये दो कंडीशंस ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे एसिटिक एसिड वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो मतलब ये वाला एसिड बफर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो 500 इनटू 0.1 मतलब 50, और ये भी 50 तो ये बराबर बराबर है, तो यहाँ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हो जाएगा ना कि बफर बनेगा, तो ए तो नहीं होगा। 50 इनटू 0.1 फिर से 50, बट दोनों एसिड एसिड है तो फिर से बफर नहीं बनेगा। यहाँ पे वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, यहाँ पे वीक एसिड, तो सी और डी में देखते हो। 50 और 0.1 मतलब कितना हो गया, ये 500 इंटू 0.1 50 हो गया, और 500 इंटू 0.2 ये करेंगे तो ये हो गया अपना 100 हो गया, बट बेस ज्यादा हो गया। बेस ज्यादा नहीं होना चाहिए, एसिड ज्यादा होना चाहिए। एसिड ज्यादा किसके केस में मिलेगा, डी वाले केस में, तो आंसर इज डी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट एज बोथ ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड ब्रॉन्स्टेड बेस, मतलब एम्फीप्रोटिक देखना है। एच प्लस डोनेट भी कर सके, एच प्लस एक्सेप्ट भी कर सके। देखो एच सी एल है, एक्सेप्ट नहीं कर सकता, डोनेट कर सकता है एसिड। H3PO4 फिर से न्यूट्रल स्टेट में, सिर्फ डोनेट कर सकता है, एक्सेप्ट नहीं कर सकता। O2-H है ही नहीं, सिर्फ एक्सेप्ट कर सकता है, तो आंसर HCO3- हो जाएगा। अब देखो HCO3- दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, अगर H+ ऐड कर देंगे तो H2CO3 बन जाएगा, और अगर H+ रिमूव कर देंगे तो CO3 2-, तो आंसर इज सी। 95। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा देखने में दिक्कत आएगी। कैसे दिक्कत आएगी, क्योंकि हमें बस हाइड्रोजन देखना है कि हाइड्रोजन किसमें गया है, किसमें आया है। तो बस H2O और OH में टोटल, या तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन गिन लो, और फिर देखो ये भी कर सकते हो, जैसे H2O4 है। अब यहाँ पे खुद ही देखो हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, दो, और ये तीन हाइड्रोजन है और दो ऑक्सीजन है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे थ्री है ना, तो ये अगर यहाँ पे थ्री है तो ये 3 to 6, और ये 7 हाइड्रोजन हो गए और 4 ऑक्सीजन हो गए। और यहाँ पे अगर हम देखें तो 8 हाइड्रोजन है और 4 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो सेम, बट हाइड्रोजन देखो क्या हो गया, एक बढ़ गया ना, तो मतलब ये किसकी तरह बिहेव किया होगा, दिस शुड बी बेस, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है। और ऐसे ही अगर दूसरे केस में हम देखें AlH2O6 में, तो AlH2O6 से बन रहा है AlH2O5 एंड OH-। अब यहाँ पे भी देखो हाइड्रोजन कितने हो गए, 12, और ऑक्सीजन कितने हैं, 6, इधर 10 और इधर 11 हाइड्रोजन हो गया और 6 ऑक्सीजन। अब यहाँ पे देखो एक हाइड्रोजन कम हो गया, यहाँ पे बढ़ रहा था, यहाँ पे कम हो रहा, मतलब ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एसिड। तो पहला वाला तो गलत हो गया, ए बेस होना चाहिए, बी एसिड, मतलब बी तो सही है। फिर देखो अगर ये बेस है तो इसका कॉन्जुगेट एसिड होगा, ये एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट बेस होगा, हमेशा ऑपोजिट होता है। तो सी वाला भी क्या लग रहा है, सही लग रहा है, तो ए एंड सी, मतलब आंसर क्या हो गया इसका, फिर डी हो जाएगा, सॉरी ए हो जाएगा। सॉरी ए और सी नहीं, बी और सी, मतलब बी हो जाएगा आंसर। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Ostwald dilution rule is applicable for, देखो Ostwald dilution जो लगता है वो सिर्फ लगता है weak electrolytes पे। HCN एक weak acid है तो इस पे तो apply होगा, but NaCN जो है ये एक salt है, और salt जो होती है वो strong electrolytes की तरह हम consider करते हैं उनको, तो इस पे apply नहीं होगा, इस पे हो जाएगा, तो ये assertion तो सही है। Reason HCN is acid by, अब ये गलत है, HCN acid, NaCN salt है, इसलिए ये नहीं है। HCN एक weak acid है और NaCN एक strong electrolyte है, basically बोल सकते हैं weak electrolyte है, strong electrolyte है, तो assertion is true but reason is false, but ये reason false नहीं बोल सकते, reason सही है but इसका explanation नहीं है, तो assertion is true and reason is not the correct, हाँ ये वाला आ जाएगा, फिर भी आएगा क्योंकि HCN acid है, NaCN salt है, ये तो सही है but इसका reason नहीं है। Which is highly reactive towards electrophilic substitution. Electrophilic substitution के लिए फिर से हमें क्या देखना है, प्लस वाले ग्रुप, प्लस वाले ग्रुप मतलब प्लस आई, प्लस एम, प्लस एच, ये वाले ग्रुप जहां भी आएंगे वहां पे electrophilic substitution का रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी ग्रुप नहीं है, यहाँ पे ये माइनस एम है, दिस इज प्लस एम, और दिस इज माइनस आई, प्लस एम बोल सकते हो बट मेनली माइनस आई देखा जाता है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, फिर सी।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल कार्बोकोटाइन. अब ये देखो तीन फिनाइल रिंग्स जुड़ी हैं तो ज्यादा डीलोकलाइज है ये सी पॉजिटिव, यहाँ भी पीएच और यहाँ भी पीएच. पीएच मतलब क्या है अपने पास, पीएच का मतलब हो जाता है बेंजीन रिंग, फिनाइल रिंग. तो ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है तो ये तो हो सकता है. फिर यहाँ पे दो फिनाइल बचे, एक फिनाइल और यहाँ पे एक फिनाइल है और साथ में, अच्छा फिनाइल है ही नहीं यहाँ पे, सी एच टू है, बेंजाइल ग्रुप नहीं बन रहा, ये बेंजाइल वाला है. तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए. अरेंज द फॉलोइंग ग्रुप्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ माइनस आई पावर. अब माइनस आई का अगर ऑर्डर देखो तो सबसे ज्यादा तो किसका होता है, एनओ टू का होता है. एनओ टू के बाद क्या आना चाहिए, सी ओ एच, फिर आना चाहिए सी एल और फिर आना चाहिए एन एच टू. तो अब यहाँ पे ऑर्डर सबसे ज्यादा तो वन है, वन यहाँ पे, फिर थ्री, फिर टू, फिर फोर. तो आंसर इज सी. और लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब, द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज. अब स्टेबिलिटी कार्बोकोटाइन की बतानी है तो फिर से किससे देखेंगे हम, प्लस एम वाले ग्रुप हो या फिर प्लस आई वाले या फिर प्लस एच, मतलब अल्फा हाइड्रोजन अगर ज्यादा हो, हाइपर कॉन्जुगेशन से भी देख सकते हैं. तो अब यहाँ पे अगर देखा जाए, एक तो ये प्लस एम शो कर रहा है, दूसरा यहाँ पे तीन अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे भी तीन अल्फा हाइड्रोजन, तो उसकी स्टेबिलिटी तो ज्यादा लग रही है. अब यहाँ पे दो अल्फा, यहाँ पे तीन अल्फा, यहाँ पे पांच अल्फा हाइड्रोजन, तो सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू स्टेबिलाइज है. इसमें फिर से मेसोमेरिक भी लग रहा है और साथ में तीन अल्फा हाइड्रोजन भी है और यहाँ पे सिर्फ क्या है, दो अल्फा हाइड्रोजन है, सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन. सबसे ज्यादा तो कौन सा होगा, वन होगा, वन के बाद थ्री, क्योंकि इन दोनों में मेसोमेरिक भी लग रहा है. तो वन के बाद थ्री इसमें आ रहा है, फिर टू हो जाएगा, फिर फोर. तो आंसर शुड बी डी. और इसी के साथ ही हमारा डिस्कशन खत्म होता है. थैंक यू एवरीवन.